हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज देखते हैं गाजर का अचार कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले मैंने पैन रखा हुआ है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है और लंबी कटी हुई गाजर डाली है। इस गाजर को आप 10 मिनट के लिए पकाएंगे और थोड़ा सा उसमें आप जिंजर भी ऐड करेंगे। लंबा सा काट करके इस तक 1 थंब इंच का उतना जिंजर लंबा काट के इसमें डाल के 10 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे पका लेंगे इसका थोड़ा सा अच्छा पिंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से डाल के पका लेंगे। जैसे ये पक जाए 10 मिनट के बाद आप उसको निकाल लोगे एक बर्तन में। फिर उसी पैन में आप 2 चम्मच तेल डालोगे। तेल डालने के बाद उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम उसमें मस्टर्ड डालेंगे, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स जब वो गर्म हो जाए, तड़तड़ने लगे, डांस करने लगे, तब आप उसमें दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी ही डाली है हमने। देखिए बहुत आसान है, झट से बन जाता है ये। एसोफटेरा डालोगे आप 1 चम्मच। एसोफटेरा डालने के बाद आप इसको, ये देखिए एसोफटेरा है 1 चम्मच। फिर आप 1 चम्मच चिली पाउडर डाल दें, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच डाल दें। ये मेथी है जो मैंने बारीक पिसी हुई है, ये नमक है 1 चम्मच। ये सब मसाले ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से आप हिला के इसको 5 मिनट पका लेते हैं। पकाने के बाद उसमें 1/2 नींबू निचोड़ देते हैं। नींबू निचोड़ने के बाद ऐसा दिखता है। अब इसमें पके हुए गाजर ऐड करते हैं। तो सारे गाजर जो हमारे थे इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से हिलाएंगे। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसको धूप में रखेंगे और बाद में डब्बे में भर देंगे। लग रहा है ना अचार टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है अचार।